अच्छा बताओ, पाकिस्तान के बारे में क्या सोचते हो आप लोग? हाँ, हम लोग इंडिया में रहते हैं, अपने इंडिया के बारे में पढ़ते, कुछ बड़े होकर कुछ बनना चाहते हैं। हाँ, वो तो अपने से दिन पर लड़ाई करती है कश्मीर के लिए। आप बताओ। हमारा वो बुरा चाहते, इंडिया के बारे में सुनते हैं या इंडिया का नाम सुनते हैं तो पहली चीज आपके दिमाग में क्या आती है? दुश्मनी, उनसे लड़ाई करे, गुस्सा आता है। ज्यादा बुरा भी नहीं है, ज्यादा अच्छा भी नहीं। आप बताओ। पाकिस्तान इंडिया से हमेशा लड़ाई करता है। हम तो अपने रब को रब मानते हैं और वो जो है बुतों को अपना रब मानते हैं। सिर्फ मजहब की वजह से दुश्मनी है और कोई मसला नहीं है? मैं कश्मीर भी होके आई हूँ। अच्छा जी, और वो जुल्म करता है। आपने देखा? नहीं। तुम बड़े होके जब स्पेस साइंटिस्ट बनोगे तो तुम ऐसा क्या करोगे जिससे लोगों को फायदा होगा? मैं ऐसी कार बनाऊंगा जो पॉल्यूशन ना करते, नो एनर्जी यूज, वो खुद एनर्जी बनाती है, खुद यूज करती है, नो पॉल्यूशन। वी बिलीव इन वसुदेव कुटुंबकम, ये सारी धरती ही हमारा परिवार है। आज हम मंगल और चांद तक जा पहुँचे हैं। गूगल, माइक्रोसॉफ्ट जैसी बड़ी कंपनियों के सीईओ इंडियंस हैं। हमारे पेरेंट्स ना किसी से लड़ना नहीं सिखाते और किसी को छोटा बड़ा भी नहीं बताते। दुनिया की चौथी सबसे बड़ी सेना हमारी है, लेकिन फिर भी हम सबको हाथ जोड़ कर प्रणाम करते। नमस्कार दोस्तों, इंडियन एजुकेशन और पाकिस्तानी एजुकेशन में क्या डिफरेंस है आपको इस वीडियो से पता चल जाएगा। अलग अलग यूट्यूबर्स इंडिया और पाकिस्तान के बच्चों से इंटरव्यू लेते रहते हैं, कोई भी हो अपनी कंट्री को अच्छा बताएगा, मगर एक बात तो माननी पड़ेगी, इंडियन बच्चों का एजुकेशन लेवल पाकिस्तानी बच्चों से ऊपर ही रहता है। यूट्यूब में कुछ इंटरव्यूज स्क्रिप्टेड भी होते हैं, मगर पाकिस्तान के एजुकेशन सिस्टम में रिलीजन को हद से ज़्यादा अहमियत दे दी गई है। शुरू से ही पाकिस्तानी स्कूल्स में कश्मीर के बारे में पढ़ा दिया जाता है, इंडिया को एक दुश्मन के तौर पर दिखाया जाता है, जैसे कि इंडिया पूरे पाकिस्तान को कब्जा कर लेगा। हिस्ट्री को तोड़ मरोड़ कर पढ़ाया जाता है, तभी पाकिस्तान का आज ये हाल है। इंडियन एजुकेशन सिस्टम में ये सब नहीं पढ़ाया जाता है। इंडियन यूनिवर्सिटीज़ आज टॉप 100 में हैं। इंडियंस आज पूरी दुनिया में बड़ी बड़ी कंपनीज में काम कर रहे हैं। ऐसा भी नहीं कह सकते कि पाकिस्तान में सब बुरे लोग हैं, कुछ अच्छे भी लोग हैं मगर उनकी संख्या बहुत कम है। वैसे ये भी नहीं कह सकते इंडिया में सब अच्छे लोग हैं, मगर इंडिया की पॉपुलेशन के हिसाब से बुरे लोगों की संख्या बहुत कम है। पाकिस्तानी स्टूडेंट्स इंडियन एजुकेशन यूट्यूब चैनल्स को देखकर पढ़ाई भी करते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। अल्फा बतूल, ईशम हबीब, इब्राहिम, तमीम, शाहजेब, छोटे छोटे बच्चे, इमानस, आबिद, फुरकान, अबू बकर, अब्दुल्ला, अरियान। कौन सी क्लास में पढ़ती हो आप? 8, 9, 7, 8, 7 में ही फर्स्ट करते हैं। 7 में ही फर्स्ट करती हूँ, 6 में ही फर्स्ट करते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, तीनों बच्चे जो है वो हिफ्स कर रहे हैं। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? ICS, कंप्यूटर साइंस, 10। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं आप? 5। मैं सेकंड ईयर में। अच्छा, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि जब आप इंडिया के बारे में सुनते हैं या इंडिया का नाम सुनते हैं तो पहली चीज आपके दिमाग में क्या आती है? दुश्मनी, उनसे लड़ाई करे, गुस्सा आता है। क्यों? क्योंकि वो हमारे मुल्क के बारे में बुरा सोचते हैं, वो कश्मीरियों को भी तंग करते हैं, उनके पूरा उनका मुल्क उधर से बर्बाद कर दिया उन्होंने, तो इसलिए। ये आपको सब किसने बताया, किसने सिखाया? न्यूज में भी मम्मा पापा भी बताते हैं। मामा पापा भी बताते हैं और न्यूज से भी देखते हो, तो ये बताओ कभी मामा पापा ने ये नहीं बताया कि 75 सालों में हमने कश्मीर को हासिल करने के लिए क्या किया? जदोजहद किया। मैं आपसे क्या पूछूं कि कौन सी जदोजहद की है? अच्छा मुझे बताओ कि कभी वैसे दिल करता है कि इंडिया वालों के साथ हमारी दोस्ती होनी चाहिए, वो यहाँ पर आए हम वहाँ पर जाएं? डेफिनेटली हम इंडियन मूवीज देखते हैं, इंडिया के लोग भी यहाँ पर आते हैं। नहीं, कभी भी नहीं। नहीं, इतनी नफरत इंडिया से? हाँ जी। इतनी छोटी सी उम्र में इतनी नफरत पाली हुई है? हाँ जी। क्या वजह है? बस ऐसे ही अच्छे नहीं लगते। अच्छे ही नहीं लगते। क्या कहोगी आप, क्या कहोगी इंडिया के बारे में जब आप सुनती हो या कोई बात करता है तो कैसा लगता है? गुस्सा चढ़ता है। अच्छा, आपको भी बुरा लगता है? हाँ जी। क्यों? वो हमारे पाकिस्तानियों को मारते हैं। वो हमारे पाकिस्तानियों को मारते हैं। अच्छा, मैं हैरान हूँ कि माशाल्लाह इतने छोटे छोटे बच्चे हैं और इनके दिमाग में सिर्फ नेगेटिविटी है इंडिया को लेकर। क्या वजह है? कौन आपको बताता है, कौन सिखाता है इंडिया के बारे में ऐसा? न्यूज़ में भी बताते हैं। न्यूज़ देखती हो? कभी कभी देख लेते। कभी कभी न्यूज़ में इतनी नफरत इंडिया के लिए? हाँ जी। अच्छा मुझे ये बताओ, जब इंडिया के बारे में सुनते हो या इंडिया का नाम सुनने को मिलता है तो पहली चीज़ दिमाग में क्या आती है? जहालत की कमी है। जहालत की? जहानत की कमी है उनमें। वो क्यों? बस वैसे ही। भाई वो लोग तो बड़े आगे निकल गए, फिर जहानत की कमी कैसे हुई?
बस देखा ना कि लिखा हुआ है कि इनको चीज यहीं पे मिल जानी है सब कुछ। अच्छा आप क्या सोचते हो इंडिया के बारे में? इंडिया का नाम सुनते पहली चीज दिमाग में क्या आती है? हमारे दिल में उनके लिए नफरत पैदा होती है। दिल में उनके लिए नफरत पैदा होती है, क्या वजह इतनी नफरत की भारत से? क्योंकि वो हम तो अपने रब को रब मानते हैं और वो जो है बुतों को अपना रब मानते हैं। What is the difference between Indian education and Pakistani education? You must have come to know from this video. Different YouTubers taking interviews from the children of India and Pakistan. Whoever it may be, they would praise their own country. But one thing will be accepted, that the education level of Indian children is above par of Pakistan children. Some interviews are also scripted in YouTube. But in the education system of Pakistan, religion has been given too much importance. Kashmir is taught in Pakistani schools from the very beginning. India is shown as enemy in their books, as if India will occupy the whole of Pakistan. Distorted history is taught by Pakistani teachers. That's why this is the condition of Pakistan. Indian education system is much better than Pakistan. Indian universities today come in top 100. Today Indians are working in big multinational companies all over the world. Can't even say that all people bad in Pakistan. There are some good people too, but their number is very less. Similarly, it cannot be said that all people are good in India, but according to the population of India, the number of bad people is very less. Sardak Shukla. आपका? निहारिका गुप्ता। किस क्लास में? 8B। सिक्स थे। ये बताओ कि आगे जो बड़े होके क्या बनना चाहोगे? IAS ऑफिसर, सिविल सर्विस। अच्छा, आप बताओ। सेम IAS ऑफिसर। कौन सा एग्जाम देना पड़ता है इसके लिए? UPSC। UPSC सिविल सर्विस। UPSC मतलब आप अभी से तैयारी चालू कर चुके हैं क्या? अच्छा, आप ये बताओ कि भारत के जो अगल बगल जो देश हैं उनके नाम क्या हैं? अरे नेबरिंग कंट्रीज में बहुत सारे नेम हैं, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, पाकिस्तान, म्यांमार। आप? बांग्लादेश, चाइना, नेपाल, म्यांमार, बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। अच्छा ये बताओ, चाइना के बारे में आप क्या सोचते हो, कैसा देश है? बहुत बेकार देश है, वो सबकी कॉपी कर किया करता है। आप बताओ। ठीक ही है, पर उतना भी नहीं अच्छा नहीं लगता हमें, मतलब उन लोगों का कैसा बिहेव करते वो अच्छा नहीं है उनका। अच्छा, चाइना ने बहुत सारे इन्वेंशन भी किए हैं, जैसे चाय का इन्वेंशन किया है, टी का इन्वेंशन किया है, और क्या कहते हैं वो अब ये बताओ जो बांग्लादेश है उसके बारे में क्या सोच? बांग्लादेश के बारे में ज्यादा नहीं जानते। आप बताओ, पाकिस्तान के बारे में क्या सोचते हो? हाँ, वो तो अपने से दिन पर लड़ाई करती है कश्मीर के लिए। आप बताओ। हमारा वो बुरा चाहते हैं, और जब वो मतलब जैसे क्रिकेट का मैच होता है, जब हम जीत जाते हैं तो उन्हें बहुत बुरा लगता है। वो अपने बच्चों को ये सिखाते हैं कि हमारा देश बेकार है। अच्छा, मतलब भारत बेकार है। पाकिस्तान वाले सिखाते हैं। ये बताओ बेटा, कभी यहाँ पे कुछ किसी ने बताया कि पाकिस्तान बेकार है, या कहीं किताब में कहीं पे कुछ ऐसा पढ़ाया गया पाकिस्तान के बारे में? नहीं। क्या कुछ बुक्स में पढ़ाया जाता पाकिस्तान? नहीं, ऐसा कुछ नहीं बताया जाता। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।